अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। जो लोगों की कमीशन होगी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दस्तावेज पूरे देश के लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी कि किस तरह से इस चुनाव में ईवीएम के मार्फत हेरा फेरी हुई है। ये जनादेश नहीं है, ये जनादेश का उलट एक तरह से उसके साथ एक खिलवाड़ है जो लोकतंत्र के की हत्या के समान। और दूसरी बात है कि इसके लिए 8 जून को एक प्रतीकात्मक विरोध के लिए शाम के समय कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए सामाजिक संगठन संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से ये आह्वान कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दल चुप है। वो किस डर के कारण चुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। हम उनको भी अपील करते हैं कि वे पूरे देश में इस मुद्दे पर हमारे साथ एक सामाजिक संगठन के साथ खड़े होकर इसका विरोध करें और इस तरह से हम लोग लोकतंत्र को अगर बचाने में कामयाब होंगे तो हम समझते हैं कि संविधान भी तब बचा रहेगा। अब आप पूछ सकते हैं सर, एक सवाल है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की पूरे मामले में क्या भूमिका देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव 22 दल गए थे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार है। उनका कहना है तमाम गड़बड़ी की बात कह रहे हैं, फिर चुनाव हुआ है, भूत प्रेत ने वोट नहीं दिया, बयान है। मुझे लगता है कि ये सही मायने में लोकतंत्र के साथ मजाक है। और पायल थी, वो गायनेकोलॉजिस्ट थी और जब वो डिलीवरी के लिए जाती थी रूम्स अपने हॉस्पिटल में तो जो ये डॉक्टर्स हैं बताते थे उनको कि आप बच्चे को मत छुइए, उनकी माँ को मत छुइए, दे विल बिकम इम्प्योर। वो इम्प्योर, अब ये कितना बड़ा, वो उनका सारा मेरिट, सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया उस समय। जब आप इतनी कुछ सीख के जा रही हैं और आपके ही सीनियर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप डिलीवरी रूम में जाइएगा तो जो बच्चे को छुइएगा तो वो इम्प्योर हो जाएगा, तो ये मानसिकता महज एक महिला के दृष्टिकोण से नहीं है, ये उस दृष्टिकोण से है कि कितना अधिक आपके प्रति एक तरह से उनमें हेट्रेड। और दूसरी बात यह है, जो 90 के दशक की बात कही, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिस व्यक्ति को कहा गया कि वो आत्मदाह किया वो खुद मंडल कमीशन का बेनिफिशियरी था, उसका समाज बेनिफिशियरी है, आज भी है, वो लोग ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेते हैं। तो और जो कहानी है इसमें और भी बड़ी कहानी है कि क्या वो वाकई में उन्होंने अपना आत्मदाह किया कि कुछ और भी कहानी, इस पर विस्तार से बातें बाद में होंगी। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि 90 से लेकर आज तक जो मानसिकता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जो लोग उस समय आरक्षण का विरोध कर रहे थे उनको ये भी नहीं पता था कि पिछड़ा वर्ग क्या है और दलित क्या है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग इस आरक्षण का विरोध कर रहे थे आई एम एंटी मंडल लगा के, और उसमें से 5 ऐसे वरिष्ठ IPS ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश में जो अभी DG रैंक में आ चुके हैं वो मंडल कमीशन के माध्यम से वो विरोध कर रहे थे आरक्षण, बाद में आरक्षण लिए और वो लेकिन समाज को व्हाट विल दे गिव बैक। तो ये मैं समझता हूँ, इस पर हम लोग कंक्लूड कर लें कि जो सर ने कहा एक आरक्षण के आगे की बात, हक की बात वो करें, और देश में वो माहौल ठीक विपरीत है लेकिन मज़ा तो तब है जब हम उस विपरीत माहौल के विरुद्ध भी अपना संघर्ष को एक मुकाम तक ले जा सकें। और आपका साथ मिलेगा तो हम लोग जरूर ले जाएंगे, इसी आशा के साथ हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।